नमस्कार, मैं हूं दिबांजली मोइत्रा। जब जब लव जिहाद से जुड़ा मुद्दा लोगों को नजर आता है तो लोग भड़क जाते हैं। लव जिहाद के मुद्दे पर कई बार बवाल मच चुका, चाहे फिल्मों में हो या फिर रियल लाइफ में। वही लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया जब हाल ही में देश के नामी ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपना नया एड जारी किया। त्योहारों का सीजन आ गया है, ऐसे में ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपना नया एड जारी किया, लेकिन इस एड पर बवाल मच गया। कुछ लोग इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने इसे एंटी हिंदू करार दिया। ट्रोल करने के पीछे कारण था एड में हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से इंटरफेथ मैरिज का दिखाया जाना। यूजर्स का गुस्सा इतना ज्यादा था कि ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट तनिष्क ट्रेंड करने लगा। लोग जमकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे। इसी बीच बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत, जो कि हर मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखती, उन्होंने भी इस एड को शर्मनाक बताया। एक टाइम पर तनिष्क की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी कंगना रनौत ने भी बॉयकॉट तनिष्क का समर्थन किया। अणिमा सोनकर नाम की एक ट्विटर यूजर के ट्वीट को रिट्वीट कर कंगना ने इस विज्ञापन को बेहद ही शर्मनाक करार दिया। कंगना ने लिखा, कॉन्सेप्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत है विज्ञापन को बनाने वाले में। दिखाया गया है कि एक भयभीत सी सहमी सी हिंदू लड़की ने अपने विश्वास की स्वीकृति के लिए अपने ससुराल वालों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आप लोगों के यहाँ तो ये सब होता नहीं, क्यों? क्या वो घर की महिला नहीं है? वो उनकी दया पर क्यों रह रही? अपने ही घर में इतनी नम्र और डरपोक क्यों दिखाई गई? बेहद शर्मनाक। बताते चले कि तनिष्क के नए विज्ञापन में एक हिंदू महिला को दिखाया गया है जिसकी मुस्लिम परिवार में शादी हुई। वीडियो में इस महिला का गोद भराई यानी बेबी शार का फंक्शन दिखाया गया। मुस्लिम परिवार हिंदू कल्चर के हिसाब से सभी रस्मों को करता है। एड के दौरान प्रेग्नेंट महिला अपनी सास से पूछती है, माँ ये रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं। इस पर उसकी सास जवाब देती है, पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। वीडियो में हिंदू मुस्लिम परिवार को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई। वीडियो सामने आने के बाद तनिष्क को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और उसके बॉयकॉट की बात करने लगे। लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हुए इस एड को पसंद नहीं किया और इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया। वैसे इस एड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।